हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फाइनली गाइस, अभी जो आप लोग देख सकते हो, हम आ गए अपनी ड्यूटी पर। यहाँ पर अभी मैं टाइम और डेट मेंशन कर दूंगा, इस साइड पर आप लोग देख लेना। सो गाइस, अभी के टाइम मतलब सीन ऐसा चल रहा है, अब मैं अपनी ड्यूटी पे क्यों नहीं आ रहा और ब्लॉग्स क्यों नहीं, वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे अपने चैनल पर, अभी सब मतलब पूरा आपके मतलब जो भी डाउट्स होंगे पूरा क्लियर कर दूँगा आज। अपनी जो किटन्स थी ना गाइस, मतलब अपनी कैट थी ना, माऊ के जो बेबीज थे, आपको पता है, एक थी इमी और एक थी क्रिस। सो पहले जो है ना, एक क्रिस है ना, क्रिस थोड़ी बीमार मतलब सिक हो गई, मतलब बीमार पड़ गई क्रिस। सो उसकी वजह से जो है, दो दिन तक मैं उसको हॉस्पिटल लेके गया, बट हॉस्पिटल से कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला अपने को, बिकॉज उनकी मतलब आखिर उनको हुआ क्या था ना एग्जैक्टली, वो अपने डॉक्टर्स लोग को भी पता नहीं था कि आखिर अपनी बिल्लियों को मतलब प्रॉब्लम क्या हुई थी बच्चों को। तो फिर उसकी वो रहने अपने बीच गलत हो गया वो, और उसके बाद ही गाइस मतलब क्या बताओ, उसकी जो सिस्टर थी बड़ी, मतलब इमी, क्रिस की बहन इमी थी ना, यहाँ पर वीडियो लगा दूंगा हमें दोनों की। सो उसका इन्फेक्शन इसको हो गया शायद से, बट वो दो दिनों बाद उसका क्या रिजल्ट दिखने गया, मतलब दिखने लग गया, मतलब जब क्रिस गई ना, क्रिस गुजर गई, तो उसके बाद दो दिनों बाद मतलब इमी में उसके इन्फेक्शन हो गया इमी को। तो एक दिन इमी को भी हम हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में डॉक्टर ने भी वही रीज़न बताया उस, मतलब इमी के ऊपर हमने थोड़ा ज़्यादा ट्रीटमेंट किया, बिकॉज पहले की केस में कैसा हुआ था क्रिस की, वो मतलब सिर्फ गाइस, और एक बात बताता हूँ, सब नहीं, पाँच दिनों में, चार से पाँच, पाँच दिनों में ना दोनों के दोनों ख़त्म हो गए यार, क्या बताओ। आज इतना रोए ना फैमिली वाले, क्या बताओ आप लोग को, मैं मतलब इतना मतलब सीधा 3 से 4 घंटे गाइस, मतलब लिटरली झूठ नहीं बोल रहा, मगर ऐसे किसी को इतनी जान से ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, मतलब जानवरों को तो नहीं करना चाहिए, कसम से झूठ नहीं बोल रहा, बिकॉज वो जब जाते हैं ना, इतना खतरनाक दुख होता है ना, अंदर से बोल रहा हूँ, आई डोंट नॉट हैव वर्ड्स गाइस, क्या ही बताओ आप लोग को। डेली गाइस मतलब जब भी ड्यूटी से घर पे जाता था मैं 5:30-6 बजे, सो पहले तो उनके साथ खेलता था फ्रेश होने के बाद, और फिर आराम से सो जाता, मतलब आधा घंटा तो दोनों के साथ खेलता था मैं, क्रिस और इमी के साथ। ये चीज़ भी गलत हो गई, और अभी ड्यूटी पे नहीं आ रहा था मैं, उसका रीज़न ये है कि पापा आ रहे थे ड्यूटी पे नाइट पे अभी, इसकी वजह से मैं नहीं आ रहा था, बिकॉज मैं डे में ना पापा के काम पर जाता था, पापा की हेल्प करने के लिए, हेल्पर काम, एज साइड कंस्ट्रक्शन पे हेल्पर का काम करने जाता था, वो मसाला वगैरह बनाने में, और उस चीज़ें पता है आपको, खेती वेती डालना, वो सब, वो वीडियो डाल रखा है मैंने, देख लो आप। उधर 2-3 दिन काम किया, और उसके क्या हॉस्पिटल में इमी और क्रिस का खर्चा हो गया 1,500-2,000 रुपये, जाने दो यार। और हमने ट्राई किया, बट गाइस क्या बताओ, पूरी फैमिली ने बहुत ज़्यादा ट्राई किया बचाने का, उन्हें उनका कोई ऐसा इलाज नहीं था बोले, और वो जो बीमारी ना 2 साल के अंदर की बिल्ली को होती है बोले, बहुत बुरा लगता है गाइस, क्या बताओ, अपने से मतलब घर में से ऐसे कोई गया ना, 3-4 महीने की थी दोनों की दोनों, बट और 3-4 महीने रही अपने साथ, और सिर्फ 5 से 6 दिनों में वो, इससे ज़्यादा नहीं बात कर सकता मैं, बिकॉज रोना आ जाएगा, क्या बताओ, इससे ज़्यादा नहीं बोल सकता मैं, बिकॉज लिमिट रहती कुछ चीज़ों की, हर बार तो ऐसे कैमरा उठा के बात नहीं कर सकते कि हम ये चल रहा है घर में, वो चल रहा है। तो ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन थी अपने घर में अभी, जिसकी वजह से मैं ड्यूटी पे नहीं आ रहा था, दूसरी जगह काम पे जा रहा था डे में, नाइट में पापा आ रहे थे अपनी जगह ड्यूटी पे, बिकॉज खर्चा उठाना पैसा नहीं था ना गाइस, फिर क्रिस और इमी का हॉस्पिटल को खर्चा लगता था, तो इसकी वजह से मेरे को काम पे जाना पड़ा। बहुत दिल से बुरा लग रहा है यार, क्या बताओ, जाने तो उस टॉपिक को हटाओ यार, फिर आंखों में आंसू आ जाएंगे, रो लूँगा मैं, फिर ऊपर से धुआं भी लग रहा है बहन, चलो ट्राई करूँगा अभी आने वाले दिनों में ब्लॉग बनाना थोड़ा, ठीक है वीडियो को कंटिन्यू करते यहाँ से। टाइम और डेट आप लोग यहाँ पर देख लेना, मैं टाइम और डेट यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, मतलब रात के कितने बजे, अभी जो है आज मतलब हम लोग आ गए थे 10:30-11 बजे से आ गए थे अपनी ड्यूटी पर, तो गाइस आधे घंटे बाद अभी जाऊंगा मैं घर पे, बिकॉज सीन ऐसा है कि कल जाना है अपनी कैट को हॉस्पिटल लेके,
मतलब माऊ को हॉस्पिटल लेके जाने का है और प्लस काम पे भी जाने का है पापा के साथ। तो पापा की भी नींद हुई है, अभी पापा आएंगे 10-15 मिनट मैक्सिमम, पकड़ लो आधे घंटे बाद पापा आएंगे सब। अभी एग्जैक्टली कितने बजे पता है क्या? 3:10 या कुछ मिनट हो गए। टाइम और डेट ज़रूर से देखना गाइस। तो अभी आएंगे पापा, उसके बाद करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू अपनी सिटी। अभी उधर से एक सिटी आएंगी, दिखाऊंगा आप लोग को 4-5 दिनों बाद। पहले तो थोड़ा सा घर में जो चल रहा है वो संभालने दो, मतलब निपट जाने दो सब कुछ, जो टेंशन चल रही वो। तो इसकी वजह से जो है मतलब ब्लॉग नहीं बना पा रहा मैं मतलब गाइस खुद खुद दिल से बुरा लगता है यार, क्या बताऊँ। मतलब ऐसे घर में ये हो रहा है, हम ये कर रहे हैं, मज़ा नहीं है इसमें। सो इसकी वजह से काम पर जा रहा हूँ पापा के साथ। अभी आएंगे पापा यहाँ पे 10-15 मिनट में, अपने को तो जाना पड़ेगा घर पे, बिकॉज वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाल वाला बटन है ना वो दबा के सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ओके सो करते हैं यहाँ से ब्लॉग को कंटिन्यू। अभी जो लगभग 4 बज गए, आप लोग टाइम और डेट यहाँ पर देख सकते हो, लगभग 4 बज गए। सो अभी जो है मैं जाता हूँ घर पे और पापा को लगे यहाँ पर भेज देता हूँ, बिकॉज नींद बहुत ज़्यादा आ रही है और कल जाना है अपने को काम पे घर पे। सो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाल बटन दबा के, वीडियो को लाइक करके जाना ताकि मेरी नई नई वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुँच जाए। सो अब मुझे जाता हूँ घर पे, पापा को भेजता हूँ इधर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय बाय गाइस। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, बहुत टेंशन चल रही है लाइफ में, क्या बताओ। थोड़े अलग वाली टेंशन है बट चल, ये टाइम है निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। मूड नहीं ब्लॉग बनाने का, ठीक है बाय।